गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू रीड द सेकेंड हाफ ऑफ थर्ड चैप्टर द मैजिक मिल स्टोन्स सो लेट्स स्टार्ट आफ्टर सम टाइम व्हेन द मैन वर टायर्ड कुछ समय बाद आदमी जो थे वो थक गए एंड देयर हैंड्स वर सोर और उनके हाथों में छाले पड़ गए वी नीड रेस्ट हमें आराम चाहिए दे सेड उन्होंने कहा But the king would not listen and let them stop only for a minute. परंतु राजा ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें सिर्फ एक मिनट का ही आराम दिया या एक मिनट के लिए ही रुकने दिया. As the men went on turning the stone, they cried out, "Soldiers, save us!" जैसे जैसे वो पत्थरों को घुमा रहे थे उन्होंने चिल्लाया सैनिकों हमारी मदद करो सून एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स केम ऑन लैंड इन बिग शिप्स जल्दी ही जो सेना थी सैनिकों की सेना थी वो बड़े जहाज के साथ वहाँ पर आ गई दे फोर्ट द किंग एंड हिज मैन वो राजा और उनके आदमियों के साथ लड़े देन दे टुक द मिलस्टोन एंड द टू स्ट्रेंजर्स एंड boarded their ships. तो इसके बाद उन्होंने क्या किया उस चक्की को उन चक्कियों को और दोनों अजनबियों को अपने जहाज पर बिठा लिया या लाद लिया As they set sail, जैसे ही वो चलने लगे the soldiers ordered the strangers to start grinding. तो जो सैनिक थे उन्होंने अजनबियों को दोबारा पीसने के लिए या पीसना शुरू करने के लिए कहा The men cried that they were too tired. जो आदमी थे वो चिल्लाए उन्होंने कहा कि वो बहुत थक गए हैं But the soldiers would not listen to them. परंतु सैनिकों ने उनको नहीं सुना They asked the men to grind salt. और उन्होंने आदमियों को नमक पीसने के लिए कहा As the men turned the millstones, जैसे ही आदमियों ने उस चक्की को घुमाया हिप्स ऑफ सोल्ट कम आउट ढेरों नमक जो था वो बाहर आने लगा दे केप्ट ग्राइंडिंग टिल द शिप वॉज फुल ऑफ सोल्ट वे तब तक पीसते रहे जब तक कि जहाज पूरा नमक से नहीं भर गया देयर वॉज सो मच सोल्ट दैट द शिप सैंक एंड एवरी वन वॉज ड्रोन इसके बाद इतना ज़्यादा नमक जहाज पर हो गया कि पूरा जहाज और उसमें बैठा हर कोई जो है वो डूब गया द शिप रीच्ड द बॉटम ऑफ द सी जहाज जो था वो समुद्र के बिल्कुल नीचे बिल्कुल बॉटम में पहुंच गया था बट द मिलस्टोन्स केप्ट ऑन टर्निंग पर जो चक्कियाँ थी वो लगातार घूम रही थी सोल्ट एंड मोर सोल्ट केप्ट आउट कमिंग आउट नमक और ज़्यादा नमक बाहर आता गया इट इज़ सेड दैट सी वाटर इज सॉल्टी बिकॉज दीज मैजिक मिलस्टोन्स आर स्टिल टर्निंग इसीलिए कहा जाता है कि समुद्र का पानी नमकीन इसलिए है क्योंकि वो जादुई चक्कियाँ अभी भी समुद्र में घूम रही हैं डू यू थिंक दैट इज़ ट्रू क्या आप सोचते हैं कि ये सच है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका थर्ड चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है आपको इस लेसन को अच्छे से रीड करना है समझना है और आपको इस लेसन के डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है पिक करके अपनी रफ नोटबुक में नोट करने हैं हो सके तो आपको अपनी सिलेबस नोटबुक में इस चैप्टर में से जो भी आपको डायग्राम अच्छा लगता है या जो आपको ईजी लगता है वो डायग्राम भी आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं ओके Thank you.